आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वो अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्टे नहीं करेंगे इलेक्शन के टाइम पे, पर उन्होंने ये भी डायरेक्ट किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि क्या उनको कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा मिला है, किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं, और उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि कब आया था, और भी ऐसे ऐसे डिटेल्स सब बताने पड़ेंगे उनको। उनको ये इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा 30 मई तक सील्ड कवर में। अब ये बहुत बड़ा केस चल रहा था इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने चैलेंज किया कि देखो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ख़राब है, ये एक ही पार्टी को सब पैसे मिल रहे हैं, इसमें वोटर्स का राइट टू नो जो है इसको अफेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फंड कौन कर रहा है। तो कोर्ट को अभी इसमें इंटरिम ऑर्डर्स का रिक्वेस्ट था कि देखो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, उतना टाइम तक तो इसको स्टे कर लो या डिस्क्लोजर करा दो। तो कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, उन्होंने बोला कि देखो ये हमें बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी इशू है, आर्ग्यूमेंट सुनने पड़ेंगे डिटेल में, तभी वो कुछ ऐसे ऑर्डर दे सकते हैं। उतना टाइम के लिए उनको अभी तो इंटरेस्ट को किसी को टिल्ट नहीं करना है, किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया है। तो अभी कोर्ट ने, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। बात तो यह है कि देखो ट्रांसपेरेंसी का अगर मामला है तो फिर क्या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पता चल जाएगा या नहीं। अभी कोर्ट ने बोला कि देखो सील्ड कवर में इन्फॉर्मेशन दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा नेसेसरली कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पता चलेगा ये डोनर्स के बारे में कि किसने पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो अभी ये देखना पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर पूरे ठीक से पढ़ना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन देखना पड़ेगा कि क्या वो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करेंगे या नहीं। क्विंट में तो इस पर बहुत इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास एक पूरा एक्सप्लेनर है कि क्या ये संविधान के खिलाफ है या नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और हमने ये भी हमारे बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज है पूनम अग्रवाल के क्विंट के, जिन्होंने दिखाए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे गुप्त नंबर्स हैं, सीक्रेट नंबर्स हैं, और इलेक्शन कमीशनर्स और एक्सपर्ट से भी बात किए हैं कि क्या इसमें ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। तो आप क्विंट को फॉलो करते जाइए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, वी हैव ऑल दी इन्फॉर्मेशन, और पढ़ते जाइए क्विंट को।